Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. It is the third part of our fourth chapter computer networking and multimedia basics. And today in this chapter we have to discuss about communication or transmission mediums. Well, in the previous class on the past class we have learned about various types of networks where we have discussed about LAN, MAN and WAN. And today we have to discuss about communication or transmission mediums. Connected computers form a network. The connection between computers on a network can be wired or wireless. Well, we all know that when few computers are connected to each other, then it is termed as a network. For example, in this example, you can see that we have four computers or four nodes which are connected to each other. So, these can be termed as a simple network of four computers. And similarly, if in case I have two computers or say, say two mobile phones which are connected via Bluetooth or Wi-Fi, then it can also be termed as a network. Or if we have more than hundred computers in our computer lab which are connected via networking cable, then it can also be termed as our computer network. So it simply means that for establishing a computer network, we need either a wire or a wireless medium. And that medium that can be wire or wireless is termed as our communication or transmission medium. इसका मतलब क्या हुआ भाई मतलब कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को कोई मीडियम चाहिए अब या तो मैं इन चारों कंप्यूटर्स को यहाँ पर वायर्स के थ्रू अटैच करूंगा कनेक्ट करूंगा या फिर मैं इन चारों कंप्यूटर्स को किसी वायरलेस सिग्नल्स के थ्रू यहाँ पर अटैच करूंगा या कनेक्ट करूंगा जिसके थ्रू ये आपस में डेटा को शेयर कर पाएंगे फाइन अब अगर मैंने यहाँ पर इन चारों कंप्यूटर्स को या मैंने बहुत सारे कंप्यूटर्स को वायर्स के थ्रू कनेक्ट करा है then it can be termed as wired or guided medium whereas if in case i'm using a wireless medium then it can be termed as our wireless or unguided medium so on that basis we have two types of transmission mediums these are wired or guided medium and then next we have wireless or unguided medium now we have to discuss about each one of these one by one our first category is wired or guided medium well in wired or guided medium we generally use wires एम इन दिस वायर्ड नेटवर्क वी हैव अ फिक्स पाथ मतलब जो वायर्ड नेटवर्क होता है इसमें हम लोगों को वायर्स विजिबल होती हैं और इन वायर्स को देख करके हम लोग अपने नेटवर्क में डेटा फ्लो को समझ सकते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं भाई सपोज करो तीन कंप्यूटर्स थे ये कंप्यूटर ए है ये कंप्यूटर बी है और ये कंप्यूटर सी है और मैंने क्या करा है मैंने इन तीनों कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है बेनिफिट क्या हुआ भाई मैंने जैसे इन तीनों कंप्यूटर्स को वायर्स के थ्रू कनेक्ट करा तो मैं इजीली देख सकता हूं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तीन कंप्यूटर्स हैं और यही तीन कंप्यूटर्स डेटा को शेयर कर रहे हैं दैट्स डाट्स इट कैन बी टर्मड एज अ गाइडेड मीडियम बिकॉज यहाँ पर नेटवर्क में केबल्स विजिबल हैं यानी कि नेटवर्क में कंप्यूटर्स कौन कौन से कनेक्टेड हैं विजिबल हैं दैट्स डाट वायट टर्म्ड एज अ गाइडेड मीडियम बट सपोज करो इफ इन केस वी आर यूजिंग अ वायरलेस मीडियम अगर हम लोग एक वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करते हैं जहाँ पे चार कंप्यूटर्स थे

नेटवर्क। जब कंप्यूटर्स केबल के थ्रू कि वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं हम लोग सर्च करोगे दैट इज इथरनेट अब हम लोग एक और केबल होती है इथरनेट केबल हम लोग इसका भी यूज करते हैं

जितने भी हम लोग के घरों में लैंडलाइन या मॉडर्मस होते हैं पे हम लोग वायर्स का यूज कर रहे होते हैं तो उन सारे या याडलाइन में जो केबल्स अब इसका नाम क्यों पड़ा ट्विस्टेड दो केबल्स होती हैं जो इस तरह से ट्विस्टेड होती पे दो केबल्स ट्विस्टेड होती term, जैसे कि diagram, इस में सबको विजिबल होगा भाई कि ये हम लोगों की मेन कोर केबल है जिसके ऊपर एक जैकेट है इस जैकेट के अंदर यहाँ पर एक शील्डेड जैकेट है और यहाँ पर फिर अंदर देखो चार छोटी दो दो वायर्स हैं जो क्या है कुछ इस तरह से ट्विस्टेड ये होती है प्लस यहाँ पर हर एक केबल का एक अपना कलर कोड कलरिंग सीक्वेंस होता है जिसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सी केबल किसके साथ यहाँ पर कनेक्ट होगी वेल

इन मोस्टली सर नेटवर्क में ट्विस्टेड केबल्स का यूज होता है इट इज ऑफ वायरिंग इन विच टू कंडक्टर्स ऑफ़ अ सिंगल सर्किट आर ट्विस्टेड टूगेदर इसमें क्या होता है भाई? एक सर्किट के दो कंडक्टर्स आपस में ट्विस्टेड होते हैं क्रिएट करते हैं जिसमें कि भाई एक साथ में मल्टीपल बिट्स इजिली ट्रावल कर सकती हैं अब पेयर ऑफ वायर्स फॉर्म अ सर्किट डाट कैन ट्रांसमिट डेटा यहाँ पर जो हम लोग पेयर ऑफ वायर एक सर्किट फॉर्म करने में हेल्प करते हैं जिसके थ्रू डेटा इजिली ट्रांसमिट होता है एंड पेयर आर ट्विस्टेड टुगेदर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रॉस टॉक अब देखो यहाँ पर क्या है ये जो पेयर्स है आपस में ट्विस्टेड है इससे बेनिफिट क्या हो रहा है कि यहाँ पर डिस्ट्रॉक्शन थोड़ा रिड्यूज हो जाता है और क्रॉस टॉक में दिक्कत नहीं आती है और नॉइस भी ये रिड्यूज करने में हेल्प करता है देन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जितनी भी हम लोगों की ट्विस्टेड केबल्स होती हैं दो टाइप की होती हैं. ये जो केबल का इमेज मैंने दिया हुआ है इट इज पेयर है तुम But we have some जिसमें अपर जैकेट या अपर रेयर प्रोडक्शन नहीं होता है दीज आर टर्म डाइज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर तो भाई ट्विस्टेड पेयर केबल दो टाइप की होती हैं अनशील्डेड इज टर्म टी पी अनशील्डेड इज टर्म ड एस टीपी और इस शील्डेड और अनशील्डेड में भी कुछ बड़े टाइप होते हैं जिसको हम लोग मोस्टली यूज करते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर लैब में घर में नेटवर्किंग के लिए ऑफिस में नेटवर्किंग के लिए कैट फाइव कैट फाइव ई कैट सिक्स कैट सिक्स ए और कैट सेवन ये कुछ केबल्स की कैटेगरीज है जैसे मोबाइल फोन में बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं मॉडल्स आते हैं कन्फिग्रेशन होती है सिमिलरली केबल के भी बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन अवेलेबल है मार्केट में तो हम लोग मोस्टली इन केबल्स का यूज करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स में ठीक है इनके नेम्स तुम लोगों को पता होना चाहिए जनरली एग्जाम में नहीं क्वेश्चन आता है बट इन जनरल डे टू तो डे लाइफ में तुम लोगों के लिए सारी चीजें जरूरी बन सकती है, well, है वहां पर एक कॉपर की लेयर होती है हर एक वायर के ऊपर जो क्या करती है उसको प्रोटेक्ट करती है वेरास अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है Now let's move to our second category that is coaxial cable. Coaxial cable is also termed as coax cable. इसको हम लोग coax cable भी कहते हैं। Is designed to transmit high frequency signal. इसमें high frequency signals mostly transmit होते हैं। अब coaxial cable का सबसे common example है जो internet हम लोग use करते हैं अपने घर में और cable TV network that we have in our homes. जो cable TV network होता है हम लोगों के network में वो जो cable TV वाली जो cables होती हैं

फुल्ता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या हुआ ये जो हम लोगों की कोवेक्सियल केबल होती है ये सबसे प्रोडेक्टेड केबल मानी जाती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का यूज कर रही है इसमें भाई क्या है इसमें तीन लेयर है यहाँ पर पहले तो एक ये वाली लेयर है फिर ये लेयर फिर ये लेर हम लोग की मेन केबल है इसमें बेनिफिट क्या होता है भाई ये जो हम लोग की टॉप लेयर है ये वाली जैकेट ये क्या करती है भाई जनरली हम लोगों की केबल को ब्रेक होने से बचाती है अलॉन्ग विद बहुत सारा रेडिएशन जो आ रहा होता है लाइट से उसको भी प्रिवेंट करती है देन नेक्स्ट वी हैव दिस कंडक्टिंग शील्ड ये कंडक्टिंग शील्ड क्या करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को रिड्यूस करती है साथ ही साथ जो मोटर वायरिंग वाली जो साउंड होती है वाइब्रेशन का साउंड होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है एंड देन नेक्स्ट वी हैव दिस इंसुलेटिंग मटेरियल जो केबल को ब्रेक होने से बचाता है और लास्ट में होती है हम लोगों की मेन केबल जो डेटा को ट्रांसमिट करने में वर्क कर रही होती है विद द शील्ड कंस्ट्रक्शन द को एक्शल केबल कैन सपोर्ट लॉन्गर केबल बिटवीन टू डिवाइसेज वेल बिकॉज इसमें इतनी सारी शील्ड होती है इतनी सारी प्रोटेक्शन होती है इसलिए हम लोग इसको मोस्टली लॉन्गर नेटवर्क के लिए यूज करते हैं that's why these cables are mostly used in अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैन में हम लोग कौन सी केबल यूज करते हैं योर आंसर विल बी केबल। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि लैन नेटवर्क में कौन सी केबल यूज कर सकते हैं be है योर अब ये जो कोएक्सियल केबल केबल होती है ये भी अलग अलग कैटेगरीज में आती है यहां पर आरजीओ का आर जी का मतलब होता है रेडियो गाइड आरजी मीन रेडियो गाइड ये टर्म वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे बनाया गया था और इसका कोई मीनिंग अभी तक का स्पेसिफाई नहीं करा गया है देर आर नेक्स्ट कैटेगरी फाइबर ऑप्टिक केबल वेल फाइबर ऑप्टिक केबल न्यू जनरेशन केबल ये एक नई टाइप की केबल है जो आजकल यूज हो रही है बट दीज केबल्स आर वेरी एक्सपेंसिव याद रखना अगर हम लोग बात करेंगे कॉस्ट की सबसे सस्ती होती है हम लोगों के ट्विस्टेड पेयर केबल्स

रेंज का भी सेम ग्राफ है भाई रेंज में भी फाइबर ऑप्टिक की रेंज ज्यादा होती है को की कम होती है ट्विस्टेड पेयर की सबसे कम रेंज होती है तो इस चीज को याद रखना हर पॉइंट से हम लोगों की फाइबर ऑप्टिक केबल्स बेस्ट होती हैं बट ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं इनको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है वेल इफ वी टॉक अबाउट ट्विस्टेड पेयर केबल्स एंड को एक्सीएल केबल्स तो ये दोनों की दोनों केबल्स वर्क करती हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल्स पे बट ये जो हम लोग की फाइबर ऑप्टिक केबल है बेटा ये वर्क करती है लाइट के प्रिंसिपल पे

एट बिट्स को कैरी कर सकता है ये जो फोटोन होता है ये एट बिट ऑफ डेटा को कैरी कर सकता है यानी कि एक फोटोन जनरली कैरी कर सकता है वन बाइट इसलिए जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं इनमें हम लोग यूज करते हैं लाइट के पार्टिकल्स का फोटॉन्स का हम लोग यूज कर सकते हैं जो कि बार बार जब भी यहां से एक इलेक्ट्रॉन पास होगा वो एक बाइट डेटा को लेकर के जाएंगे फर्स्ट थिंग सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी ऑल नो दैट कि लाइट सबसे फास्ट होती है हम लोग जानते हैं कि लाइट की स्पीड बहुत फास्ट है लाइट की स्पीड बहुत फास्ट है इसलिए इन केबल्स में लाइट का मीडियम यूज हो रहा है इसलिए यहां पर सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं डेटा को एक नोट से दूसरे नोट पर जाने के लिए और यहां पर जो हम लोगों का डेटा ट्रांसफरेंस होती है वो बहुत ज्यादा स्मूद होती है बिना किसी डिस्ट्रॉशन के बिकॉज यहां पर लाइट के प्रिंसिपल का यूज हो रहा है तो यहां पर किसी भी तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस वर्क नहीं करती है अब फाइबर ऑप्टिक केबल आर एज ऑप्टिकल फाइबर केबल इनको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल भी कहते हैं इज अ टाइप ऑफ ऑफ केबल वन और मोर ऑप्टिक फाइबर्स इसमें एक से ज्यादा भी ऑप्टिक फाइबर हो सकते हैं जरा इस वाले डायग्राम को समझते हैं पहले इन जनरल हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल के ऊपर एक आउटर जैकेट होती है ये एक सिंगल वाली है ठीक है ये एक सिंगल लेयर वाली केबल है इसमें सिर्फ एक सिंगल मोड है ये हम लोगों की जो केबल यहां बनी हुई है बेटा ये एक सिंगल मोड वाली केबल है

ठीक है ये ग्लास या फाइबर का बना हुआ होता है और ये जनरली कैरी करता है डेटा को लाइट के फॉर्म में अब इस ग्लास ट्यूब के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट वर्क करता है तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में रिफ्लेक्शन के बारे में अब जरा देखो होता क्या है सपोज करो ये हम लोग की ग्लास ट्यूब है ठीक है ये हम लोगों की ग्लास ट्यूब है और यहां से एक लाइट पार्टिकल आया ठीक है अब यहां पर होती है क्लैडिंग क्लाइडिंग क्या करती है इसको एक मिरर लाइक सर्विस प्रोवाइड करती है जैसे यहाँ से एक पार्टिकल आया लाइट का वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा फिर वो आगे स्ट्राइक करेगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा फिर वो आगे स्ट्राइक करेगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा एन द सेम मैनर ये क्या होता जाएगा रिफ्लेक्ट होते 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 अपने डेस्टिनेशन तक का पहुंच जाएगा प्लस ये एक लाइट पार्टिकल था इसका मतलब इसकी जो स्पीड थी वो बहुत फास्ट थी वो स्पीड जनरली हम लोगों के इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड से भी कभी कभी ज्यादा तेज होती है अगर एक छोटा सा इश्यू आता है इस केबल के साथ में भाई सपोज करो मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केस की बात कर रहा था और मेरी जो तो केबल थी यहाँ से ब्रेक हो गई है ठीक है लेट्स से कि जो मेरी केबल थी भाई वो यहां से ब्रेक हो गई जब ब्रेक होगी तो भाई केबल कुछ इस तरीके से दिखाई देगी हम लोगों की अब इस केस में क्या हुआ भाई जैसे ही लाइट का पार्टिकल यहां से एंटर करा रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हो गया मिस तो अगर केबल बीच में ब्रेक हो जाती है उस केस में डेटा लॉस हो जाता है और डेटा लॉस को बचाने के लिए यहां पर ये यह जो तुम लोग तीन तीन देख रहे हो ना लेयर्स देख रहे हो इसीलिए यहां पर अवेलेबल है ताकि केबल ब्रेक ना हो एंड दैट्स दीज केबल्स आर वेरी कॉस्टली ऑल्सो फाइबर ऑप्टिक केबल ट्रांसमिट डेटा एज पल्स ऑफ लाइट गो थ्रू टाइनी ट्यूब्लास मैंने बताया था लाइट के फॉर्म में डेटा ट्रेवल कर रहा है लाइट की ग्लास ट्यूब के अंदरिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल इज ट्वेंटी हाइयर केबल ये ट्विस्टेड पेयर केबल से ट्वेंटी ज्यादा बेटर होती है डेटा ट्रांसफर करने के मामले में फाइबर ऑप्टिक केबल कैम डिवाइडेड इनटू सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स कीबल में वो एक ही टाइप का डेटा कैरी कर सकता है के ऐसी बहुत सारी केबल्स होती है पैरल में निकली हुई जिसमें से डेटा हम लोग सेंड और रिसीव दोनों कर सकते हैं एक बार में सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर हैजॉल कोर एंड ओनली फॉलो वन मोड ऑफ लाइट टू प्रोबोगेट एट अ टाइम ये जो सिंगल मोड वाली केबल होती है यहां पे सिर्फ और सिर्फ या तो लाइट जाएगी या फिर लाइट आएगी हम लोग डेटा को सेंड और रिसीव दोनों नहीं कर सकते हैं एक बार में बट मल्टी मोड केबल में हम लोग सेंड और रिसीव दोनों काम कर सकते हैं एट अ टाइम सो इट ऑल अबाउट केबल्स ये हम लोगों ने डिस्कस करा केबल के बारे में अ वेरी वेरी गुड शॉर्ट होमवर्क फॉर यू ऑल योर सिंपल होमवर्क इज यू हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री केबल टाइप्स तुम लोगों को डिफरेंस लिखना है ट्विस्टेड पेयर केबल्स में कोएक्सियल केबल्स में और फाइबर ऑप्टिक केबल्स के बीच में एटलीस्ट थ्री थ्री पॉइंट मैंने अपने थर्ड चैप्टर को well, अपलोड कर देना बेटा एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं गूगल क्लासरूम में इस वाले होमवर्क के लिए भी एक लिंक को एक्टिवेट कर दूंगा जहां पर तुम लोग इस डिफरेंस को लिखने के बाद उसकी इमेज कलेक्ट करके मुझे सेंड कर देना चैप्टर के लिए वेल इन आर नेक्स्ट क्लास नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट वायरलेस मीडियम हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वायरलेस मीडियम्स के लिए टिल देन यू जस्ट हैव टू कीप लर्निंग अपनी बुक से इस चैप्टर को रीड करना बहुत ईजी बहुत सिंपल से चैप्टर है स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ओवर दिस साइड यू विल गेट द क्लास नाइन्थ प्ले लिस्ट यहाँ पर तुम लोगों को क्लास नाइन्थ की प्ले लिस्ट मिल वॉच दैट प्ले लिस्ट एटलीट वंस वहां पर जाओ सारी वीडियोज को रिवाइज करो ढंग से देखो अगर कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन